अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही राइट साइड का सब्सक्राइबर बटन दबाएं और हमारा लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करें। एक तरफ जहां पूरा देश इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, वहीं एक बुजुर्ग सीवरेज बोर्ड जिंदाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा था। जब बुजुर्ग की सुनवाई नहीं हुई तो उसने अनशन शुरू कर दिया। अबोहर प्रशासन जिस समय शहीदी दिवस मना रहा था, ठीक उसी समय अबोहर की गुरदयाल नगरी का बुजुर्ग नथुराम सीवरेज पानी की समस्या से परेशान होकर सीवरेज बोर्ड के कार्यालय समक्ष धरने पर बैठ गया। बुजुर्ग की मांग थी कि उसका सीवरेज कनेक्शन सही किया जाए और उसके मोहल्ले में पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाए। बुजुर्ग का आरोप है कि अधिकारी उसकी बात की कोई सुनवाई नहीं कर रहे, जिसके कारण मजबूरन उसे धरना लगाना पड़ रहा है। इस बारे में सीवरेज बोर्ड के SDO हरशरणजीत सिंह ने कहा कि बुजुर्ग के घर के पास पानी की थोड़ी समस्या है, जिसे हल करवा दिया जाएगा। उधर शहीदी कार्यक्रम में मौजूद SDM पूनम सिंह ने कहा कि बुजुर्ग की पूरी सुनवाई होगी। सीवरेज बोर्ड जिंदाबाद, सीवरेज बोर्ड जिंदाबाद। अभी ये सीवरेज की प्रॉब्लम तो आज ही हल हो जाएगी। हाई कोर्ट का आदेश है कि सीवरेज के हॉल के अंदर आदमी नहीं बांटना, तो वो हॉल है छोटा, इन्होंने कहा कि उसको हॉल को बड़ा वहाँ पे लगवा देंगे और सीवरेज को चालू करवा देंगे। 7 महीने हो गए जी, और उसका लोग तो बिल बाद में देते हैं या देते नहीं। मैंने एडवांस बिल पे किया और मेरे पास रसीद एडवांस बिल पेमेंट की, और एक भी पैसा मेरी तरफ बकाया नहीं है, और मेरी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने एक बूंद भी इस महकमे ने पानी नहीं दिया हमें पीने के लिए, वो भी हमने मोल मंगाया। सीवरेज वाला कनेक्शन भी इन्होंने वो साफ नहीं कराया जहाँ से जनता ने टपना था, और आज दोबारा गए, अब कहते भी इन्होंने आदमी भेजे हैं। 7 महीने हो गए। एक बार इन्होंने दफ्तर का टैंकर भेजा था, उसके बाद इन्होंने आज तक हमारी कोई भी सुरसार नहीं ली, कभी हमारे से पूछ किसी नहीं की। हम एज्ड हैं, हम सीनियर सिटीजन हैं, और उसके बाद हमारे साथ ये नौबत है। चेक कराया तो 15 साल दसा भी सीवरेज की कोई ब्लॉकेज नहीं हैगी। उन्होंने हम यह कहना भी कहते जो मैं करवाया सी उदों का ब्लॉक से, हूँ मैनू नहीं पता ब्लॉक है कि नहीं है, बट असी जो चैक किया भी सीवरेज की कोई ब्लॉकेज नहीं हैगी। ढक्कन है, ढक्कन बिल्कुल सही है, ढक्कन की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। जी वाटर सप्लाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हैगी, कभी कभी आ जाती है, बट रूटीन च पानी जाता है, बट कभी पानी की प्रॉब्लम पिछों जिमें कई बार कोई लीकेज आने करके सप्लाई बंद कर देंगे या कोई नहर की बंदी आ जाए तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे पानी की कोई खास प्रॉब्लम नहीं हैगी। असं उन्होंने उठाने की कोशिश की है, जी गए दोवें लै गए, होर इतों बंदे भेजे करते उठते पे हैं।